मछली ढूंढ रहे हैं उस डैम में, और काफी खूबसूरत सा सीन है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब देख रहे हो ये मछली के लिए ही बनाया गया है, मतलब इस डैम में 7 डेज के बाद जो है फसल जो है वो बड़ा बड़ा हो गया है। लर भी काफी बड़ा बड़ा हो गया। नहीं देखो मके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक बार वेलकम है। तो आज शाम का वक्त हो रहा है और शाम के बज रहे हैं 4:30, और मैं बहुत दिनों से आज गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, तो सोच रहे हैं चलो आज टाटी जरिया चलते हैं, वहाँ पे खाते हैं गुलाब जामुन। तो बाइक से जा रहे हैं अकेले और घूम के आते हैं टाटी जरिया से। चलिए देखें, 2 पीस दीजिए। तो ये जी रहा गुलाब जामुन गर्मा गर्म। काफी दिनों के बाद आया हूँ, उनके बाद समोसा एक आलू चॉप ऑर्डर कर लिया। एनी गेस गाइस, कहाँ जा रहा हूँ? जंगल है, जंगल के बीच में रोड है, बड़ा मजा आ रहा है, हवा ठंडा ठंडा चल रहा है, और मैं अभी गुलाब जामुन खा के आ गया। तो अभी मैं आप सबको डैम लेके जा रहा हूँ, है ना, टाटी जरिया में ही है बौधा डैम। तो गाइस फाइनली पहुँच गया हूँ, देख सकते हो ये, इसमें भी मुझे लगता है पानी रहता होगा, लेकिन बारिश कम होने की वजह से ये पूरा सूख चुका है। इधर देखो आप डैम, ये रहा, है ना, ये बौधा डैम नाम है। चलिए आगे जाके दिखाते हैं आपको। जब ब्लॉगिंग करते हैं तो सबसे पहले अपनी जगह को के आसपास, अपने गांव के आसपास जो खूबसूरत जगह है उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे घर से टाटी जरिया की जो किलोमीटर है वो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है। टाटी जरिया से थोड़ा अंदर आके, यानी कि टाटी जरिया से 3 किलोमीटर अंदर आया मैं। काफ़ी दिनों से सुन रहा था यहाँ पर कि बौधा डैम है, एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा प्लेस है, तो आप सबको लेके आया। जो सीन आप देख रहे हो जंगल के ऊपर का, वो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है यहाँ। चलिए आगे आपको जाके दिखलाते हैं। यहाँ पे लोग लगता है मछली ढूंढ रहे हैं इस डैम में, देखो आप, लगता है ताज़ा ताज़ा मछली मिलता भी है, बेचते भी है क्या मछली? ये देख सकते हो आप, काफी बड़ा बड़ा मछली है यार, ताजा ताजा फ्रेश। तो ताजा ताजा मछली भी यहाँ पे मिल रहा है ना। तो अभी फिलहाल मैं तो ज्यादा पैसा लेके आया नहीं, मैं तो घूमने के लिए आ गया, तो अभी मैं घर लेके नहीं जा रहा हूँ। और काफी खूबसूरत सा सीन है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब देख रहे हो ये मछली के लिए ही बनाया गया है, मतलब इस डैम में स्पेशल मछली के लिए ही है। ताज़ा ताज़ा मछली खाना हो आप आ जाओ यहाँ पे और परचेज करो, हमेशा नहीं मिलेगा, आज बाई लक आज मिल रहा है और कल भी शायद मिलेगा। स्टेशन तो काफ़ी खूबसूरत है यार, गाना वगैरह शूट करना हो, है ना, वीडियो वगैरह शूट करने के लिए बहुत अच्छा लोकेशन है, हमारे घर के पास में ही है। भैया बताएं कि इसका भी ऑर्डर पास होता है, तो आज मैं, आज यानी कि 11 जुलाई, आज का दिन तो चला गया, आप जिस दिन ब्लॉग देख रहे हो उस दिन है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को मैं 8 बजे सुबह में ब्लॉग डालूँगा, यानी कि यहाँ पे कल सुबह यानी दोपहर में 2 बजे तक शायद मछली अगर ताज़ा ताज़ा लेना हो तो यहाँ पे आके ले सकते हैं, बस कल ही तक है 2 बजे तक, क्योंकि हमेशा नहीं मिलता है, ऑर्डर पास करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर आप सबको घुमा दिया, यहाँ से चलते हैं घर क्योंकि शाम हो रहा है, जंगल वाला एरिया है, अकेले हैं। सिनेमैटिक व्यू दिखलाना चाहता हूँ, देखो आप, वाओ, आसमान तो इतना खूबसूरत लग रहा ना, एंड इधर देखो आप, इधर तो जंगल ही है। तो गाइस फाइनली घर आ गया। देखो गाइस ये जो लाइट है जो मैंने दादी को दिया था, तो बहुत ही कम जल रहा है ना, तो अच्छे तरीके से चार्ज नहीं हो पा रहा, या कि पता नहीं क्या हो नहीं पा रहा, काफ़ी कोशिश किया बट जल नहीं रहा ये, तो बेचारी वो कैसे रहेगी रात में, रात का टाइम है और आजकल जानते हो आप कि सांप वगैरह बहुत निकलता है बरसात के समय। काफ़ी ट्राई किया, इसको लगता है बनवाना पड़ेगा,
देखूंगा कल बनवा के। देख सकते हो आप, ये जो टॉर्च है ये दादी को दे दे रहा हूँ, ताकि अभी एक्चुअली बरसात का समय है। देखो मैंने एक टॉर्च ले लिया है जो कि मैं अभी सोच रहा हूँ दादी को जाके दे दूँ ना, तो काफ़ी मैंने सोचा कि शाम का टाइम है, उनका जो लाइट है वो चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो मैं तुरंत गया शॉप और एक टॉर्च खरीद के लाया, ताकि देखो बरसात का टाइम है, बहुत ज़रूरी है, हाथ में होना चाहिए। तो मैं जाके उनको दे देता हूँ, है ना, ताकि वो आराम से रहे। लीजिए, कह रहे ना कि बारिश का टाइम है, हमेशा हाथ में टॉर्च रखिएगा, कहीं भी सांप बिच्छा निकल जाता है ना, इसलिए हम सोचे आप कैसे रहिएगा रात में, तो इसलिए दे दे रहे हैं ना। और वो लाइट जो है हम चार्ज रात भर चार्ज में लगा देंगे, सुबह तक ठीक हो जाएगा, वो जल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इससे इसको मतलब 10-15 दिन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करिएगा, 10-15 दिन बैटरी चलेगा, बैटरी लगता है 20 रुपया का, ख़त्म होगा तो बताइएगा हमको, ठीक है। ठीक है, अभी फिलहाल इससे काम चलाइए। ठीक, देखो आप लाइन से जो है ना ठीक जल रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ से जब स्विच ऑफ कर देता हूँ तो ये बुझ सा जाता है, बल्कि इसे चार्ज या तो बैटरी इशू है या फिर अच्छे से इसको चार्ज करना पड़ेगा। देखिए अभी आई हुई थी, मेरा पुराना घर है ना, तो हमेशा मेरे पुराना घर में ही आती है, मेरे दादी के घर में, यहाँ पे आके चार्ज में लगा देती है दादी हर दिन, तो अभी आई हुई थी, हम भी यहीं आए हुए थे, तो अचानक से देखें तो देखें लाइट नहीं जल रहा है, है ना, तो रोने टाइप से हो गई कि कैसे आज रहेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, मतलब कि कैसे, समझ सकते हो ना आप कि बरसात का समय है, रात लाइट नहीं है घर में, आप सब तो कई बार देखे भी हो। तो मैं तुरंत अभी गया शॉप, है ना, टॉर्च खरीदा और टॉर्च खरीद के दे दिया, क्योंकि देखिए बरसात का समय है, टॉर्च हमेशा हाथ में होनी चाहिए, उनके घर में ऐसे भी रोशनी नहीं है। तो इस तरह से थ्रू दिस ब्लॉग मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक दूसरे का मदद करिए, और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि कोई आपसे है, वो बहुत उम्मीद लगा के आती है मेरे पास कि मैं जो हूँ उनका हेल्प करूँगा। तो बिल्कुल एकदम जरा सा भी, 2 मिनट भी नहीं हुआ, मैं शॉप में गया और टॉर्च खरीद के ला के और मैंने दे दिया। तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात होती है कि कोई आप पे इतना ज़्यादा डिपेंड करता है, आप पे उम्मीद के रखता है कि आप शायद उनका हेल्प करोगे, तो मुझे अच्छा लगता है हेल्प करके।